नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, अगर आपने सुबह उठकर कर ली तो आपका पूरा दिन ब्रह्मचर्य का आप पालन आराम से कर सकते हैं, और यही नहीं कि आप अपना दिमाग भी तेज कर सकते हैं, बस आपको इस चीज को पालन करना है। इससे आपका दिमाग शांत होगा, आपका दिमाग तेज होगा और आप अपने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन आराम से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान से इस तरीके को सुनना है और डेली आपको करना है। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो आराम से आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका दिमाग कंट्रोल होता है, आपका दिमाग एक चीज पर फोकस करने लगता है, जिसके चलते आपका दिमाग चारों ओर नहीं भागता। बस आपको ये चीज करनी ही है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहते हैं तो ये चीज आपको करनी ही होगी। बाकी अगर आप इस चीज को नहीं करते हैं तो आपको बहुत कठिनाई होगी, आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करने में, आपकी इंद्रियां कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। सबसे पहली चीज, आपको 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में उठना ही उठना है। ये एक ऐसा तरीका है जो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है, जो आपके दिमाग के साथ आपकी इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है। आपको 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपको उठ जाना है। उसके बाद में आपको शांति से बैठ जाना है। उसके बाद में अपने मन में आपको कहना है कि टुडे आई विल नॉट मास्टरबेट, टुडे आई विल नॉट वॉच पॉर्न, कि आपको आज मैं आप बिल्कुल भी आज मैं ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करूंगा, ना ही आज मैं कोई अश्लील वीडियो देखूंगा। इससे क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझो, आपका दिमाग यानी आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुबह बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है बजाय दिन के, और जब आप सोने से पहले ये चीज़ करते हैं तो भी आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। आपको उठने के बाद में ये चीज़ करनी है, उसके बाद में आपको पूरे दिन का आपके दिमाग में ऐसी इमेजिनेशन बनानी है कि आज मैंने दिन में जो भी काम करने हैं वो सारे काम कर लिए, आपको इस तरह से सोचना है। फिर आपको अपने दिमाग को शांत करके आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में आपको सिर्फ ओम का जाप करना है। आपको सिर्फ अपने दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि आपका दिमाग ओम पर फोकस कर रहा है। जब भी आप ये मेडिटेशन करें तो ध्यान रखिए कि आपके दिमाग में कोई दूसरा थॉट ना आए। हो सकता है कि शुरुआत में आपको ऐसे थॉट आए, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस चीज का पालन करेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में वो थॉट गायब होते जाएंगे। और इस चीज से क्या होता है कि इस चीज से आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा होता है और उस समय वो चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि आज मुझे पूरे दिन में यही काम करने हैं और आज मैं इन चीजों को नहीं करूंगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन सुबह बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और यही चीज आपको क्या करनी है, सोने से पहले करनी है। सोने से पहले आपके दूसरे दिन का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए, यानी वो इमेजिनेशन चलनी चाहिए कि कर्म मुझे क्या क्या करना है। और सुबह सोने से पहले आपको क्या करना है कि आपको एक बार मेडिटेशन यानी ध्यान करना है। ये तरीका अगर आपने कर लिया तो अपने आप आपका दिमाग उस चीज़ को प्रोसेसिंग करने लग जाता है, रीप्रोग्रामिंग करने लग जाता है कि मुझे क्या करना है। और ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी इंद्रियां और आपका दिमाग कंट्रोल होता है और पूरा दिन आपका अच्छा जाता है, आपका पूरा दिन फोकस जाता है। इसीलिए आपको सुबह उठकर ये चीज़ करनी ही होगी। जो लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिमाग और इंद्रियां सबल नहीं रहती। और यही एक ऐसा तरीका है, तो आपको सुबह उठकर ये करना ही होगा। Thank you.